अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। फिर साथ की वीडियो के अंदर मैं आपको आपके डेलर की कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्या है। अपने मोबाइल फ़ोन के डायलर को आप ओपन करेंगे, डायल पैड को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो एक कोड इंटर करना है, स्टार हैश, उसके बाद आप लोगों ने 022, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो 8 इंटर करने के बाद आपने हैश इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप ये इंटर करेंगे तो आपके पास आपके बैटरी का स्टेटस आ जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ठीक है या नहीं, आपके बैटरी फ़ोन का लेवल कितना है वो भी आपको बताएगा, आपके मोबाइल फ़ोन को जो है वो कितना वोल्टेज मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसे क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो कोड को दोबारा आप समझ लीजिए, कोड में इसका दोबारा अगेन आपको बताता हूँ, स्टार हैश 0228, उसके बाद आपने हैश इंटर करना है तो आपके पास वो स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं हैश इंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी बैटरी का स्टेटस आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पहला। उसके बाद सेकंड आपके पास कौन सा है, सेकंड ये है कि कोई भी पर्सन अगर आपकी कॉल को फॉरवर्ड करता है तो आप उसको किस तरह रोक सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग है या नहीं, अगर होगी तो वो खुद ब खुद रेस हो जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे इंटर करना होगा डबल हैश, उसके बाद 002, उसके बाद हैश। ये इंटर करने के बाद आपने डन कर देना, जैसे डन करेंगे तो अभी आपको बता देगा कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कॉल फॉरवर्डिंग ऑल जो है वो रेज सक्सेसफुली, ठीक है, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये भी आपके पास कोड है, अगेन बता देता हूँ, #002, उसके बाद हैश, उसके बाद आपने इसको कर लेना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास ट्रिक है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का होम स्क्रीन ओपन की हुई है और मैं अपने मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम की को, वॉल्यूम जो का जो बटन है, वॉल्यूम अप करने का बटन, उसको दो बार प्रेस करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं दो बार प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन हो चुका है और मैं यहाँ से व्हाट्सएप को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि व्हाट्सएप को इजीली हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, बट अब मैं यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम बटन को होल्ड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं होल्ड करूँगा अब देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास फेसबुक ओपन हो चुकी है। अब ये आप किस तरह कर सकते हैं, मतलब ये कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अपने वॉल्यूम के जरिए किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक काफ़ी कमाल की आपके पास ट्रिक होने वाली है। तो ये किस तरह आपने करना है उसके बारे में बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ये होता है टाइटल, आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे मिल जाएगा आपको ऐप लिंक, तो यहाँ से जाके आपने इसी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। इस ऐप के बहुत ज़्यादा फीचर है, डाउनलोड करने के बाद बस आपने इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वॉल्यूम बटन का, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपसे परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना है। अब देखिए सिंगल टैप पर आपके पास कौन सा एक्शन होना चाहिए, ये वॉल्यूम अप का बटन है और नीचे वॉल्यूम डाउन का है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको ऑन करना है, यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ पे सिंगल टैप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो मर्जी करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, बट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ से आपकी तमाम की तमाम एप्लीकेशन आ जाएंगे, आप किसी भी ऐप को ओपन करवाना चाहें तो वो यहाँ से करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम को करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्रोम रख दिया, एक बार टाइप करूँगा तो क्रोम ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डबल पे व्हाट्सअप होगा, इस तरह आपने सारी सेलेक्ट कर लेनी है, आप वॉल्यूम डाउन के बटन से भी, सिंगल टैप पर, डबल टैप पर और लॉन्ग प्रेस पर। अब देखिए ये सब आपके पास हो चुके हैं। अब जो है सिंपल सा मेथड है, मैं वैसे जो है वो सिंगल टैप करता हूं तो मेरे पास क्रोम ओपन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्रोम से रिलेटेड ही है तो मैंने क्रोम को इसलिए ऐड किया था। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है। अगर आपके पास किसी भी पर्सन का मोबाइल आ जाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपको मोबाइल दे देता है और उसके मोबाइल फोन को हर जगह पर लॉक लगा हुआ है तो आप उसका डाटा किस तरह देख सकते हैं, उसका व्हाट्सएप का डाटा भी आप देखना चाहें तो वो भी देख सकेंगे। आपने उसका सिंपल सा क्रोम ओपन करना है, जैसा कि यहां से मैंने क्रोम को ओपन किया हुआ है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहां पर आपने कोड इंटर करना है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पे लिखना है फाइल, उसके बाद आप लोगों ने यहां पे कॉलन, उसके बाद आप लोगों ने ट्रिपल स्लैश इंटर करना है, ठीक है। यहां पे ये ट्रिपल स्लैश, उसके बाद आपने एसडी कार्ड यहां पे लिखना है, ठीक है। एसडी कार्ड आप लोगों ने यहां पे इंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एसडी कार्ड जो है वो इंटर कर दिया, ये आपने इस तरह जो है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास है, उसके मोबाइल फ़ोन एसडी कार्ड हो या ना हो आपने ये कोड इंटर कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास यहाँ पे उसका सारा डाटा आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप पूरे मोबाइल फ़ोन का, मतलब कि जो आपके पास फाइल मैनेजर है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका सारा डाटा आप यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप उसका व्हाट्सएप का डाटा भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर जो चीज़ें शेयर की, सेंड की, सारे का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। मीडिया में जाके आप
उसका सारे का सारा डाटा यहाँ पे देख सकेंगे, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का कोड है। उसके बाद ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन ने किसी पर्सन ने क्या कुछ किया या आपने अपने मोबाइल फ़ोन में क्या क्या चीज़ यूज़ की उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोड इंटर करना होगा, *#*#, उसके बाद आप लोगों ने 4636, उसके बाद आप लोगों ने #*, उसके बाद आप लोगों ने #*, के बाद फिर आप लोगों ने #*, ठीक है। ये कोड है, यहाँ पे देख लीजिए, *#*#4636*#*#*, ठीक है। ये आपने इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। ये कोड किसी किसी मोबाइल फ़ोन में काम करता है, हर मोबाइल फ़ोन में काम नहीं करता। बाकी जितने भी कोड्स बताए हैं वो हर मोबाइल फ़ोन के अंदर वर्क करते हैं। तो इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस मोबाइल फ़ोन की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की गई, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन के अंदर लास्ट 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं। तो इस तरह आप किसी का मोबाइल लेके भी चेक कर सकते हैं कि उसने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या काम किया, क्या क्या यूज़ किया। तो इस कोड के जरिए आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये थी आपके पास 5 ट्रिक्स, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।